लड़कियों को परेशानी है, हम नहीं करेंगे, चेहरे पे दाढ़ी है, हमें दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं। और लड़की तो बाद में मना करती है, लड़की की अम्मा पहले मना कर देती है, हम नहीं करेंगे दाढ़ी वाले लड़के से हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। इसको और ज्यादा परेशानी होती है जो इसकी मां होती है। मुसलमानों जरा शर्म करो, इसी हिंदुस्तान के अंदर एक कौम रहती है जिसको हम लोग सिख कहते हैं, पंजाबी सिख, समझ में आया कुछ है ना, उनके धर्म के अंदर भी दाढ़ी है और वो दाढ़ी रखते भी हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो दाढ़ी नहीं हो, उनके धर्म में दाढ़ी है, वो लोग दाढ़ी रखते हैं। आज तक मैंने कभी कोई ऐसा केस नहीं सुना कि किसी सिख लड़की ने इस वजह से अपना रिश्ता मना कर दिया हो कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है, हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन मैं कितने वाकयात ऐसे सुन चुका हूं कि मुसलमान लड़की ने सिर्फ इस वजह से रिश्ते के लिए मना कर दिया क्योंकि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है। नहीं सुना है आपने, कितने वाकयात ऐसे होते रहते हैं, लड़के की लड़की ने मना कर दिया, लड़की की अम्मा ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, लड़के के चेहरे पे दाढ़ी है, उनके धर्म में दाढ़ी, उन्हें कोई परेशानी नहीं, हमारे धर्म में दाढ़ी, हमें परेशानी परेशानी। तो दीनदार नहीं चाहिए, बेनमाजी चलेगा, शराबी चलेगा, ज्वारी चलेगा, लेकिन मालदार होना चाहिए। तो पहली चीज क्या बताई, जब तुम्हारे पास में कोई रिश्ता आए तो उसकी दीनदारी को देखो। इजा खतबा इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु, उसके दीन को देखो। और दूसरी चीज बयान फरमाई, व खुलुकहु, उसके अखलाक को देखो, किरदार को देखो, उसके रहन सहन, उसके तौर तरीके को देख लो।